देने के लिए देश की पहली आदिवासी महिला जो पहुंची है देश के सर्वोच्च स्तर तक, सर्वोच्च पद तक, उन्हें बधाई देने के लिए खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर द्रौपदी मुर्मू ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया था उसको तय करते हुए वो पार्षद से ऊपर उठी, विधायक और उसके बाद राज्यपाल बनी और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जा चुकी हैं। जीत हो गई है उनकी स्पष्ट, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त यहाँ द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर जो उन्हें आवंटित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। शैलेंद्र, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत दिखाता है कि किस तरीके से जमीन पर कार्य करने वाली एक महिला को सर्वोच्च पद मिला, और ये पल वाकई अनूठा है। देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने, निश्चित तौर पर बनता है, और आज एक इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं। आज एक इतिहास का गौरवशाली क्षण जब भारतीय लोकतंत्र में एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को सर्वोच्च पद हासिल होने जा रहा है। और हम जानते हैं कि आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। निश्चित तौर पर ये जो गौरवशाली क्षण है, आज जो गौरवशाली दिन है, पूरी दुनिया को भारत ने दिखाया है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारा जो सबसे विशाल लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, दरअसल वो दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सभी समुदाय के, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है, और किस तरह से आदिवासी समाज से आने वाली महिला सर्वोच्च पद तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और हम उस इतिहास बनते हुए दिन देख रहे हैं। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आह्लादित करने वाली हैं, वो उत्साहित करने वाली हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जब राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े स्पष्ट हुए, जिन्होंने ये दिखा दिया कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति हैं, देश की बन रही हैं, उसके बाद पहली बार इन दृश्यों के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू मीडिया के सामने आई हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं, और जैसा कहा जाता है अभी तक वो बीजेपी की थी लेकिन अब वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। निश्चित तौर पर वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, और हम जानते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रपति बनने जा रही है जो आदिवासी महिला समाज से आती है, और निश्चित तौर पर उस गौरवशाली क्षण को हम सब महसूस कर रहे हैं। और पूरे देश में जो तस्वीरें आ रही है वो भी ये दिखा रही है किस तरह से लोगों में उत्साह है, और हम देख रहे हैं कि तस्वीरों के जरिए जो भारतीय संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, उसकी भी झलक दिखती है। और ये दरअसल आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए देश में पहली बार होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी आज हम देख रहे हैं कि सभी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास रचा गया है। भारतीय लोकतंत्र ने दुनिया को दिखाया है इन तस्वीरों के माध्यम से, इस फैसले के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से, कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें दिनों दिन निरंतर गहरी होती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर वो गौरवशाली क्षण, वो गौरवशाली दिन और इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं, और उस इतिहास में जो तस्वीरें देश भर से आ रही है वो भी ये दिखाती है कि भारतीय समाज में, भारतीय लोकतंत्र में किस तरह से सभी को समाहित करने के, सभी को आगे बढ़ाने के, सभी को उच्च पदों तक ले जाने की क्षमता है, और सबका साथ मिलता है, सबका समर्थन मिलता है। और हमने देखा कि न केवल एनडीए उम्मीदवार के तौर पर बल्कि एनडीए सहित तमाम दलों ने खुलकर समर्थन किया द्रौपदी मुर्मू का, और यही ताकत है हमारे लोकतंत्र की, और यही ताकत है द्रौपदी मुर्मू जी के व्यक्तित्व की भी। हमारे साथ इस वक्त अशोक टंडन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, देश की अगली राष्ट्रपति हो रही हैं, बन रही हैं द्रौपदी मुर्मू, ऐसे में जिस तरीके से आंकड़े आए हैं और जिस तरीके से सूत्रों के ही लिहाज से, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आई हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, बहुत सारे अन्य दलों के विपक्ष के नेता भी या सांसद भी हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया, हम ये कह सकते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरीके का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है वो दिखाता है कि किस तरह की शख्सियत और व्यक्तित्व द्रौपदी मुर्मू का है जिसको आज सब ओर से समर्थन मिल रहा है। देखिए, उनकी जीत तो सुनिश्चित थी जी। इस चुनाव में, चुनाव से पहले ही ये लगभग तय था कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीतने वाली हैं, द्रौपदी जी। लेकिन ये मुझे बहुत सहज लगा कि यशवंत सिन्हा जी ने उनको बधाई दी है और अपनी हार मान ली।
देखिए यशवंत सिन्हा जी की हार तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पर यह कहा था कि अगर हमें पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू ही एनडीए के उम्मीदवार होने जा रही हैं तो शायद हम अपना निर्णय बदलते। तो ये जो एक तथ्य सामने आया इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि विपक्ष ने जो अपनी एकजुटता का प्रमाण देने के लिए यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया था वो एकजुटता तो तितर बितर हो गई, तहस नहस हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी के बयान के बाद लगातार हम देख रहे थे इतने ही क्षेत्रीय दल उनके समर्थन में आते गए और इसी कारण से उनकी जीत और ज्यादा सुनिश्चित हो गई। मेरा मानना है कि उनको पैसा